कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में इंसाफ की मांग को लेकर डॉक्टरों का प्रदर्शन जारी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया था, इसके बावजूद डॉक्टरों ने काम बंद रखा। राज्य के हेल्थ सेक्रेटरी और हेल्थ एजुकेशन डायरेक्टर के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मंगलवार को साल्ट लेक में स्वास्थ्य भवन तक रैली निकाली। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश निकाला है कि 5 बजे के तक अगर ड्यूटी ज्वाइन नहीं करेंगे तब तो ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने पे हम क्या करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो पहली बात हमें हमारी सारी डिमांड चाहिए, डिमांड मतलब अदर जितने भी मेडिकल कॉलेज की डिमांड है, चाहे CCTV की हो, चाहे सिक्योरिटी को लेके हो, और ये सब डिमांड पूरी होनी चाहिए 5 बजे तक। और दूसरा हमारी सबसे बड़ी डिमांड है, हमारे जो दीदी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके जो रेपिस्ट है, जो कातिल है, वो पकड़े जाने चाहिए। और अगर ये दोनों डिमांड अगर पूरी नहीं होती है तो स्वास्थ्य भवन का घेरा वैसा ही रहेगा और आगे तक ऐसा ही चलता रहेगा। कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल में ट्रेनी डॉक्टर का शव मिला था। ड्यूटी के दौरान उसके साथ कथित तौर पर रेप करने के बाद हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद डॉक्टरों का देश भर में विरोध शुरू हो गया था। जूनियर डॉक्टरों ने करीब महीने भर से सरकारी अस्पतालों में काम बंद किया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम शुरू करने का निर्देश दिया था। इससे पहले पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा था कि अगर डॉक्टर काम पर लौटेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी।